हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस। सो गाइस, आज की भी क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुपर 30 की सीरीज चल रही है आज की, जो हमारी डेली बेस पे क्लास चल रही है 6 बजे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, तो जल्दी से क्लासेस को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो जिन भी स्टूडेंट ने ये सारी क्लासेस नहीं देखी है, जैसे कि आप दिखा दूँगा आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लास तक मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। ठीक है, आप जो है अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो 7 क्लास है, और आपके जो एग्जाम के डेज, जैसे मैं आपको डेली बेस बताता हूँ, 12 डेज लेफ्ट रह गए हैं आपके UPR के लिए एग्जाम। ठीक है, तो अगर आपने एग्जाम की तैयारी नहीं शुरू की है तो आप अपनी प्रिपरेशन रखें कंटिन्यू, आपका जल्दी ही एग्जाम हो जाएगा जैसे कि आप जानते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अभी जल्दी से। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी। ओके, चलिए तो वही क्लास स्टार्ट कर दें। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आएगा, आपको केवल आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सामने आ गया है, लगे इसका आंसर क्या होगा। आंसर लगाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेयरिंग आर यूज फॉर हाई स्पीड, यानी कि इनमें से कौन सा बेयरिंग जो है हाई स्पीड पे यूज किया जाता है। मैं बहुत आपको फास्टली बताऊंगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताएं कि क्या इसका आंसर होगा। आंसर बताइए, आंसर क्या होगा इसका। चलिए, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है, चेक कर लेता हूँ। ठीक है, वॉइस वगैरह सब कुछ सही है। कौन सा बेयरिंग होगा भाई सबसे तेज स्पीड पर चलने वाला, यहाँ पर ए एंड बी आ रहे हैं आंसर, एंटी फ्रिक्शन। वेरी गुड। तो देखिए, जो हाई स्पीड की अगर बात करें, यहाँ पर हाई स्पीड कह रहा है, कौन सा बेयरिंग जो हाई स्पीड पे चलता है, वो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होते हैं, वो हमारे हाई स्पीड पे चलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट विल इंप्रूव मशीनेबिलिटी, यहाँ ध्यान से देखना, मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब, यानी कि मशीनेबिलिटी और डक्टिलिटी को हमें इंप्रूव करना है, कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है भी? गलती नहीं करनी है एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। चलिए, लगे इसका क्या आंसर होगा, आंसर लगे क्या होगा इसका। चलिए जल्दी से लगे इसका आंसर क्या होगा, दूसरे का ए। चलिए, सेकंड का जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो ए आ रहा है, एनिलिंग। बिल्कुल सही आंसर, राइट आंसर एनिलिंग ही होगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर एनिलिंग होगा। अगर हमें किसी भी पार्ट्स में, स्टील के पार्ट्स में मशीनेबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण सुधारना, तो हमें एनिलिंग करते हैं। ठीक है, ये याद रखना सभी लोग। चलिए अगला सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखें, लेथ मशीन पर चार्जर चक में जॉब बांधते समय सेंटर की जांच करने हेतु कौन सा टूल प्रयोग करते हैं। सभी को मालूम होना चाहिए, ऑप्शंस में आपको देखो कैलिपर दिया है, डिवाइडर दिया गया, सरफेस गेज दिया गया एंड स्ट्रेट पिन स्क्राइबर दिया गया, तो क्या होगा इसका आंसर। यह आया है मेरे पास ए बी। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, सरफेस गेज का हम प्रयोग करते हैं कहां पर, जब हम किसी भी लेथ मशीन पर किसी गोल जॉब का सेंटर निकालते हैं या फिर सेंटर में बांधते हैं उसे। ठीक है, तो सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं क्योंकि जॉब को जो है सेंटर में बांधना है, ये देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर की बात हो रही है, इंग्लिश में भी दिया गया है, तो इसका आंसर सी होगा, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन, खराद उपकरण का प्रदान किया गया कौन सा कोण वर्कपीस के साथ उपकरण के मुख्य भाग को रगड़ने से बचाता है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, रगड़ने से बचाता है, यहीं तक इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, हेलिक्स एंगल, साइडक एंगल, क्लीनर्स एंगल एंड टॉपरैक एंगल, एक ही आंसर है इसका, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। चलिए फोर्थ का आंसर बताइए क्या होगा, फोर्थ का आंसर क्या होगा। फोर्थ का आंसर सी आ रहा है, क्लीयरेंस एंगल, बिल्कुल सही जा रहे हैं जो स्टूडेंट, क्लीयरेंस एंगल बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, क्लीयरेंस एंगल। अगर क्लीयरेंस एंगल किसी भी कटिंग टूल्स में क्लीयरेंस एंगल नहीं होगा तो क्या होगा, वो जॉब के साथ रगड़ खाता हुआ चलेगा और हमारा जॉब या फिर हमारा टूल्स खराब हो जाएगा। ठीक है, तो क्लीयरेंस एंगल होना हर सभी टूल के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड के बाद फाइव क्वेश्चन है, सोप स्टोन एक स्नेक है, यानी कि सोप स्टोन इज ए लुब्रिकेंट, कौन सा स्नेक का सोप स्टोन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिक्विड और लिक्विड लुब्रिकेंट, सेमी परमानेंट एंड सोलिड लुब्रिकेंट, नन ऑफ दिस अबव, तीन ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा ऑप्शन है None of these above, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या इसका आंसर लगाएंगे आप एग्जाम में। सोप स्टोन क्या है हमारा लुब्रिकेंट, कौन सा लुब्रिकेंट है, लगाओ जल्दी से इसका आंसर। फोर्थ फाइव का है सी,
ठोस लुब्रिकेंट, बिल्कुल सही। सोप स्टोन जो हमारा साबुन, एक प्रकार से साबुन अब इसे मान सकते हैं। तो जो हमारा साबुन है ये हमारा क्या है, सोलिड लुब्रिकेंट के अंदर आता है, ठीक है, ये हमारा सोलिड लुब्रिकेंट है। इसी तरह से हमारा एक ग्रेफाइट है जो कि सोलिड लुब्रिकेंट है, ठीक है, ये भी याद रखना। माइका भी होता है जो भी सोलिड लुब्रिकेंट होता है। अगला देखो क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि द नेटवर्क ऑफ पाइप टैंक्स एंड वाल्स यूज फॉर सप्लाइंग वाटर टू द पब्लिक इज कॉल्ड, क्वेश्चन आप हिंदी पढ़े, जनता को पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग किए गए जाने वाले पाइप और टैंक वाल का नेटवर्क को खालिस्तान कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको एनसीएल के टाइम पर भी बताया था, जब आपका एनसीएल के एग्जाम की थी, मैंने तैयारी करवाई थी। तो इसमें से एक आंसर होगा, जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर होगा। सीवेज सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम है एंड गैस सप्लाई सिस्टम, एक ही इसका आंसर होगा। क्या लगाएंगे इसका आंसर? सिक्स का आंसर आ रहा है मेरे पास बी, सिक्स का बी आंसर आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ये हमारा होगा वाटर सप्लाई सिस्टम, जल आपूर्ति प्रणाली। वाटर सप्लाई सिस्टम के द्वारा ही हम जो है ये जो पाइप टैंक और वाल्व का जो नेटवर्क होता है वो हमारा होता है वाटर सप्लाई सिस्टम। जनता को पीने का आपूर्ति पानी है जिससे हम प्रदान करते हैं, वो हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम के अंतर्गत आता है। बी इसका आंसर होगा। अगले देखो सिक्स के बाद सेवन क्वेश्चंस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेसन हैंड टूल, ये इंपॉर्टेंट है यहां से लेके यहां तक। मेसन जो हैंड टूल है वो कौन सा नहीं है, ये पूछा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा मेसन हैंड टूल नहीं है। मेसन से एक आईटी भी होती है पूरी, ठीक है, मेसन एक ट्रेड है जिससे पूरी एक आईटी होती है, एक पूरा सिलेबस है। तो उसका जो है इनमें से कौन सा टूल नहीं है, कौन सा हैंड टूल नहीं है। स्टेट एज स्प्रिट लेवल है, टैप है, मिनी ड्राफ्टर है एंड प्लम बो है। क्या इसका आंसर होगा, लगाओ भाई जल्दी लगाओ। चलिए सी 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 राइट आंसर होगा सी, मिनी ड्राफ्टर इसका राइट आंसर है। क्या है मिनी ड्राफ्टर? मिनी ड्राफ्टर कौन यूज करता है, जो हमारे ड्राइंग वाले होते हैं, ड्राइंग में मिनी ड्राफ्टर का यूज होता है। जबकि स्प्रिट लेवल एंड टेप एंड प्लम बो ये हमारे जो मेसन्स होते हैं, जो कि हमारे राजमिस्त्री आप बोल सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन का जो वर्क करते हैं, ये सब हमारे मेसन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मिनी ड्राफ्टर का यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आठवां क्वेश्चन का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टर्म्स टीआईजी टिग इन द टिग वेल्डिंग। तो टिग की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी है, किसकी पूछी है, यहाँ पर टिग की फुल फॉर्म पूछी है। टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग के बारे में आपको आशीष सर ने एक वीडियो में बताया है, वो वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप उसको देख लेना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, टंगस्टन इनर्ट गैस है, इसके बाद है टोर्च इनर्ट गैस है, और नेक्स्ट है टंगस्टन इनर्ट गैसोलीन है, देन नेक्स्ट ऑप्शन में है टंगस्टन इनर्ट गैस। तो चार ऑप्शन आपको मिले हैं, इनमें से एक आंसर होगा। टिग वेल्डिंग होती है इस टाइप से, मिग वेल्डिंग होती है, एक ही आंसर होगा। जल्दी से बताओ उसका इसका क्या आंसर है। यहाँ मेरे पास आठवें का सबसे पहले ए आंसर आया, बिल्कुल सही। तो टंगस्टन हमारा जो है टंगस्टन इनर्ट गैस है, कौन सी, मिग वेल्डिंग की फुल फॉर्म है ये, याद रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो नोवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट लुब्रिकेंट। यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, परमानेंट लुब्रिकेंट पूछा है, परमानेंट लुब्रिकेंट कौन सा है। ऑप्शन में ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है, मोबिल ऑयल है एंड जैतून का तेल है, ग्रीस है, मोबिल ऑयल है, ठीक है, बी ऑप्शन है मोबिल ऑयल है, जो कि हमारा ये हमारा ऑटोमोबाइल के इंजन में डाला जाता है, सभी ने यूज भी किया होगा, डलवाया भी होगा जो लोग गाड़ी चलाते हैं। चलिए आंसर होते हैं इसका, एक आंसर है, नाइनवे का आंसर देखिए आएगा, नौवे का आंसर डी ए ग्रेफाइट। देखिए जो है दो कंफ्यूजन आ रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो देखिए क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इरेजर, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज राइट आंसर। ग्रेफाइट हमारा एक परमानेंट है जिसको हम सोलिड लुब्रिकेंट बोलते हैं, ये याद रखना, एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखो दसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग भारी माप को मापने के लिए किया जाता है, भारी माप को मापना है, तो स्नैप गेज है, प्लग गेज है, फिलर गेज है एंड हमारा सेंटर गेज है। तो ध्यान से देखना, भारी माप को अगर हम मापना हो तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे प्लग गेज, फिलर गेज, सेंटर गेज है, तो यहाँ पे हम स्नैप गेज यूज करेंगे। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है तो उनकी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो याद रखना हमारा जो दसवें का जो आंसर है वो हमारा क्या है, ए है, ठीक है। और जो जिन स्टूडेंट को भारी माप किससे चेक करते हैं, इंटरनल माप किससे चेक करते हैं, अगर वो आज अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं आते तो आप हमारा एमजीएम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हमने सारे सभी टॉपिक को क्लियर किया गया है, ठीक है। एमजीएम कोर्स में सारी चीज आपको बता दी गई है, तो आपका बेस भी कंप्लीट हो जाएगा।
अगला देखो 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन लेथ संलग्न की मदद से लेथ मशीन पर किया जा सकता है? ठीक है, एक नंबर की इंपॉर्टेंट लाइन है। तो लेथ ऑपरेशंस, लेथ पर हमें ऑपरेशंस करना है। ऑप्शंस में टेपर टर्निंग है, मिलिंग है, ग्राइंडिंग है, उपरोक्त सभी, यानी कि विकल्प सभी विकल्प सही है। चार ऑप्शंस दिए हैं, चौथा ऑप्शन है ये सभी के द्वारा, टेपर टर्निंग, मिलिंग एंड ग्राइंडिंग एंड ऑल ऑफ दिस। तो क्या इसका आंसर लगाएंगे यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है लेथ मशीन पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं? 11वें का टी, बिल्कुल सही। तो लेथ मशीन पर हमारे ये सभी अटैचमेंट के द्वारा ये सारे जो हमारे, यानी कि टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं, मिलिंग भी कर सकते हैं, ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। लेथ मशीन जो है सभी मशीन की जननी भी इसलिए कहा जाता है, सारे काम उस पर कर सकते हैं, टेपर टर्निंग, मिलिंग एंड ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। तो डी इज राइट आंसर होगा। अगला देखो क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ वाटर डज नॉट डिपेंड ऑन रेन वाटर। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि रेन वाटर की बात हो रही है, तो क्या ऑप्शन हिंदी में देखिए क्या कह रहा है कि पानी के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा स्रोत जो है वर्षा का जल पर निर्भर नहीं करता, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, रेन वाटर जिसे हम बोलते हैं। तो ऑप्शंस देखे, सी वाटर लिखा है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन में है समुद्री लिखा है, समुद्र का पानी आप माने, ठीक है, तालाब का पानी है एंड भूजल है, देन जो है झील का पानी है। कौन सा जो है वर्षा यानी कि बारिश पर डिपेंड नहीं है? लगे इसका आंसर क्या लगाएंगे जल्दी से, इसका आंसर लगे क्या लगाएंगे? चलिए इसका आंसर मेरे पास आया 12 का ए, सी वाटर। ठीक है, समुद्र का जो पानी है वह हमारा वर्षा के जल पर निर्भर नहीं करता, ए इज राइट आंसर होगा, बिल्कुल आंसर होगा, रेन वाटर नहीं है ये। ठीक है, अगला देखो 12 के बाद 13 क्वेश्चन, विच मेटल एलॉय इज यूज्ड टू मेक कॉन्टेक्ट टिप ऑफ मिग वेल्डिंग टॉर्च। तो यहाँ पे मिग वेल्डिंग की जो टॉर्च है उसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर उसके बारे में उसके मेटल दिए हैं, कौन कौन से मेटल दिए हैं, देखो यहाँ पर कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मेल्ड स्टील एंड जिंक है, चारों में से एक आंसर है। तो जो मिग वेल्डिंग की टॉर्च होती है उसकी मेटल पूछा है, जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या होगा, लगाओ 13 का आंसर। जैसे ही आंसर आएगा मैं सबसे पहले, सबसे पहले टेक्निकल फिटर ने आंसर दिया है जो कि ए बता रहे हैं, कॉपर, बिल्कुल सही। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में टिप की बात हो रही हो, चाहे वो सोल्डरिंग आयरन की बात हो रही है, चाहे वेल्डिंग की बात हो रही है, तो वहां पर वो कॉपर का बना होता है, याद रखना, एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगला देखो 13 के बाद 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन है, प्लेन रिंग गेज आर यूज्ड टू चेक द खालिस्तान यानी कि डॉट डॉट ऑफ सिलिंड्रिकल वर्कपीस। तो यहाँ पे प्लेन रिंग गेज को से हम कौन सा जो है बेलनाकार कार्यखंड की जो हम जांच किस रिंग गेज के द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन देखिए, उसके द्वारा हम क्या चेक करते हैं, इनसाइड डायमीटर है, ऑप्शन में आउटसाइड है और वेट है एंड लेंथ है, भार, आंतरिक व्यास, बाहरी व्यास, भार एंड लंबाई, क्या इसका आंसर होगा, लगा भी जल्दी से आंसर। 14 का आंसर आ रहा है मेरे पास, सबसे पहला आएगा ये, चलिए 14 का आंसर मेरे पास बी 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 बी, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो प्लेन रिंग गेज है वो आउटसाइड डायमीटर को चेक करता है, कल भी एक क्वेश्चन इस टाइप का बताया था मैंने, आउटसाइड डायर को चेक करता है। ठीक है, प्लेन रिंग गेज ये हमारा आउटसाइड डायर है, तो प्लेन रिंग गेज में डाल के देखेंगे गोरनो को, तो वो आउटसाइड डायर को चेक करता है। ठीक है, प्लग गेज इनसाइड चेक करता है। अगला देखो 15 क्वेश्चन, स्नैप गेज की आकृति किस अंग्रेजी के वर्णमाला की आकृति होती है? तो कुल मिला गया स्नैप गेज की आकृति पूछा, शेप पूछी है, ये कई बार मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, तो सी जो आकृति होती है यानी कि बी ऑप्शंस में राइट है। जिन बच्चों को नहीं पता है क्वेश्चन की स्नैप गेज की आकृति कैसी होती है, तो उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर एग्जाम में, होल को ऐसे दर्शाते हैं, ये टाइप का क्वेश्चन आता है। अगला देखो 16 क्वेश्चन, पिक्चर एक उत्पादन यंत्र है जो खालिस्तान, बस यहाँ पर क्वेश्चन खत्म है। तो पिक्चर जो है, आप इसका आंसर मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या इसका आंसर होगा। फिक्चर जो है वो क्या काम करता है? फिक्चर होता है जिग होता है, जिग एंड फिक्चर के दोनों का अलग अलग वर्क है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं क्या इसका आंसर होगा, लगे 15 के बाद 16 क्वेश्चन आ चुका है अभी, 16 का आंसर नहीं आया अभी तक, लगाओ भी जल्दी जल्दी लगाओ, 16 का आंसर बी आया मेरे पास, विश्वजीत सिंह भी बता रहे हैं 16 का, अच्छा सी आया है, टेक्निकल पीटर है, मलिक जी सबसे पहले आंसर दे रहे हैं सी 100% दे रहे हैं, कार्तिक जो कि सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। तो देखो ध्यान से, सी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, सी राइट आंसर, वर्कपीस को पकड़ता है, लोकेट करता है। ठीक है, होल्ड एंड लोकेट एंड वर्कपीस, तो ध्यान से देखना इसमें दो चीज होती है, वर्कपीस को पकड़ता एंड लोकेट करता है, फिक्स्चर जो है जिग हमारा सारे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो है ये हमारा 17 क्वेश्चन, तो कह रहा है स्टेप टर्निंग में पहले यह किया जाता है, स्टेप टर्निंग जो होती है, स्टेप जैसे कि हमारे स्टेप खुली होती है, उस टाइप की स्टेप टर्निंग होती है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, उसमें बड़ा व्यास बनाएंगे, छोटा व्यास बनाएंगे, दोनों बना लेंगे, कोई सा भी, नॉन ऑफ दिस, ये क्वेश्चन मैंने आपको कहीं बार वीडियो में बताया है, तो इसका आंसर मुझे बताएं कि क्या इसका आंसर होगा, लगे जल्दी से इसका आंसर लगाए, क्या इसका आंसर होगा, लगा दो जल्दी आंसर लगा दो। 17 का आंसर आ गया मेरे पास ए ए ए
छोटा व्यास बनाएंगे, बिल्कुल सही। तो छोटा व्यास बनाएंगे, 17 का आंसर मेरे पास आ रहा है ए, बिल्कुल सही। तो स्टेप टर्निंग में हम सबसे पहले छोटा व्यास बनाएंगे, ठीक है, स्मॉल डायमीटर स्टेप बनाएंगे। स्टेप टर्निंग कैसे होती है, जैसे कि हमारा ये स्टेप है, ये हमारी स्टेप टर्निंग होगी, ठीक है। इस टाइप से हमारी स्टेप पुली भी होती है, ये हमारी स्टेप टर्निंग भी होगी। तो पहले सबसे पहले ये डाया, फिर ये डाया, फिर ये डाया, एक पूरी ये पूरी हमारी रोड ऐसे होगी, शाफ्ट होगी, ठीक है, इस टाइप से शाफ्ट होगी। तो पहले छोटा बनाएंगे, फिर बड़ा बनाएंगे, फिर बड़ा बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 17 के बाद 18 क्वेश्चंस। ए डिवाइस यूज्ड टू कीप द पार्ट टू बी वेल्ड इन अलाइनमेंट इज कॉल्ड। यानी कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं किसी डिवाइस के किसी भी पार्ट्स पर, तो उसका जो अलाइनमेंट है, जो वेल्डिंग का जो अलाइनमेंट है, वेल्डिंग की जो हम क्रिया वेल्डिंग कर रहे हैं, उसको हम किससे चेक करते हैं। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी ऐसे कुछ लिखा है। तो ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे लिखा है कि वेल्डिंग जिग है, वेल्डिंग फीचर्स है, वेल्डिंग पोजीशन है, एंड वेल्डिंग मैनिपुलेटर। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस ही इसके आंसर है। इनमें से लगाइए जल्दी से इसके आंसर आएंगे। 18 का आंसर मेरे पास आया है बी 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 एंड ए। लगाओ भी वेल्डिंग फीचर, वेल्डिंग जिग किसका यूज करेंगे, ए, मनोज बता रहे हैं ए। तो यहाँ पर कंफ्यूजन आ गया है सबसे ज्यादा, बी ए सी, बी ए सी, ए बी सी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी सी तीनों ही ऑप्शन दे रहे हैं, 50-50 सभी जा रहे हैं। तो राइट आंसर देख लो, से क्या होगा, वेल्डिंग जिग का यूज करेंगे हम, ठीक है। अलाइनमेंट यानी कि उसकी जो सनरे को चेक करने के लिए वेल्डिंग जिग का हम यूज करते हैं। वेल्डिंग जिग देख लेना, इमेजेस आपको मिल जाएगी, छोटे छोटे वेल्डिंग जिग होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगी, 19 क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज कवर द एंड ऑफ पाइप, यानी कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा पाइप है उसके एंड को किस से हम कवर करेंगे, ठीक है। ऑप्शन में प्लग है, निप्पल है, एल्बो है, टी है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक आंसर है। जल्दी से बता दो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी आरबीएल के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि प्लग होगा, निप्पल होगा, एल्बो होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ए राइट आंसर होगा, प्लग। प्लग होगा, प्लग कैसे होते हैं देखो ध्यान से। तो यहाँ पे प्लग मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे ये हमारा प्लग है, ठीक है, वो हमारा प्लग है, इधर इमेज आ रही है। तो ये हमारा इस टाइप का प्लग होता है, ठीक है। तो राइट, याद रखना इस क्वेश्चन को, 19 के बाद देखो 1920 क्वेश्चन। ग्रेड ए वी ब्लॉक हार्ड स्टील के बने होते हैं, सभी को पता होना चाहिए, तथा इसकी लंबाई पाई जाती है। जो ग्रेड ए है वी ब्लॉक, उसकी लेंथ यहाँ पर पूछी गई है। ऑप्शन में 50 है, 75 है, 25 है, 100 मिलीमीटर है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक आंसर है। ए एंड बी टाइप के, दो टाइप के वी ब्लॉक पाए जाते हैं, ए एंड बी। ए की लंबाई अलग होती है, बी की लंबाई अलग होती है। जल्दी से बताओ किस किसको पता है इसका आंसर। 20 का डी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। तो 20 का डी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है किसका, 20 का ए। ए ग्रेड के जो होते हैं हमारे वो 100 होते हैं, जो बी ग्रेड के होते हैं वो कितने होते हैं, 200 होते हैं, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज द यूज टू कनेक्ट कास्ट आयरन पाइप, बस यही क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन देखिए, डरवे लोहे पाइप को जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लैंज जोड़ है, कॉलर जोड़ है, स्क्रू जोड़ है, इसके बाद सपोर्ट जॉइंट है। तो यहाँ पर एक ही जॉइंट होगा, जो हमारे डरवे लोहे कास्ट आयरन के जो पाइप होते हैं मोटे मोटे, उनको हमें जोड़ना है। तो हम किसका यूज करने वाले हैं इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे तो हम अलग भी कुछ चीज यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर आंसर लिखा है इसमें कि इसमें आंसर क्या होगा, जल्दी से लगाओ इसका आंसर क्या होगा। 21 क्वेश्चन आज तो सबसे फास्ट स्पीड में आया क्वेश्चन। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ रहा है ए, ए ए ए, बिल्कुल सही। तो फ्लैंज का हम यूज करते हैं, फ्लैंज जोड़ का हम यूज करते हैं। फ्लैंज जोड़ कैसी होती है, फ्लैंज जोड़ हमारा एक टाइप से इस टाइप से होती है, यहाँ पर जो है छोटे छोटे बोल्ट लगाने के लिए होल बने होते हैं, ये हमारी फ्लैंज होती है, अलग अलग टाइप के पाई जाती है। तो इसको हम पाइपों को जोड़ने के लिए करते हैं, इसमें अलग भी पाइप बना होता है छोटा छोटा, तो इसका हम यूज करते हैं बड़े बड़े पाइपों को जोड़ने के लिए। अगला देखो 22 क्वेश्चन। खालिस्तान आर यूज, यानी कि डॉट टेस्ट मान सकते हैं, आर यूज टू होल्ड पाइप फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशंस। क्वेश्चन देखना चाह रहा है कि अगर आपको पाइप पर ड्रिलिंग ऑपरेशंस करना है तो आप किस पर होल्ड करेंगे उसे। ऑप्शंस में है वी ब्लॉक है, सेंटर गेज है, सेंटर पंच एंड हैमर है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक आंसर होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, इतना टाइम नहीं लगाना अभी। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आता, कहीं भी क्वेश्चन की बात हो, सिलिंड्रिकल की बात हो, क्योंकि हमारा पाइप होता है सिलिंड्रिकल, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वी ब्लॉक। तो काफी स्टूडेंट जो है ए आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो ए ही राइट आंसर होगा, वी ब्लॉक का हम यूज करते हैं। अगर कहीं भी क्वेश्चन सिलिंड्रिकल की बात हो रही है, होल्ड करना हो, ड्रिलिंग करना हो, कुछ भी काम करना, तो आपको वी ब्लॉक सेलेक्ट कर देना, ऑप्शन जरूर दिया गया होगा, ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला देखो क्वेश्चन 23, विच टूल यूज इन शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब ए सर्कल एंड आर्क विद लार्ज डायमीटर। तो ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि शीट मेटल में आपको लार्ज क्या करना है, हमें
सर्किल या जो है लार्ज डायमीटर बनाना, चाप लगाना हो, सर्किल बनाना हो, वो हमें बड़ा बनाना है। तो ऑप्शंस में दिए गए हैं क्या, स्प्रिंग कंपास है, टैमर ट्रायमल है, विंग कंपास है, साधारण कंपास है। कंपास कंपास तीन ऑप्शंस में कंपास है, देन बी ऑप्शन में ट्रायमल है। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर बताओ कि क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा 23 का बी बी बी, बिल्कुल सही। तो ट्रायमल का हम यूज करते हैं कहां पर, बड़े बड़े वर्थ चाप लगाने के लिए हम ट्रायमल का यूज करते हैं। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बड़े से बड़ा चाप लगाने के लिए, बड़े से बड़ा वर्थ खींचने के लिए हम ट्रायमल का यूज करते हैं। ट्रायमल में दो स्लाइडिंग हेड होते हैं जिनसे जिसका प्रयोग करके हम बड़ी बड़ी शीटों पर हम आसानी से सर्किल वगैरह खींच सकते हैं। सभी को पता होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो 24 क्वेश्चन, विच इज यूज टू क्लीन द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हम किस मेथड का यूज करेंगे अपनी लैपिंग प्लेट को आफ्टर चार्जिंग, यानी कि चार्जिंग क्रिया करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी पढ़ सकते हैं कि चार्जिंग के बाद लैपिंग प्लेट को साफ करने के लिए आप किस उपकरण का प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में तेल दिया गया, ऑयल दिया गया, केरोसिन ऑयल दिया, कूलेंट ऑयल दिया गया एंड पेट्रोलियम जेली दिया गया। पेट्रोलियम जेली होगा क्या, इसका आंसर होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर बता दो, देखते हैं आपके कौन आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर 24वें का आंसर मेरे पास बी एंड डी आ रहा है, पेट्रोलियम जेली भी आया है, बी 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 मिट्टी का तेल। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, राइट, केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल इसका राइट आंसर है। पेट्रोलियम जेली क्या होता है, पेट्रोलियम जेली का जो हम प्रयोग करते हैं वो हम स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए उस पर पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं, याद रखना, क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम है, ठीक है। कूलेंट आप सभी को पता होगा, ऑयल साधारण ऑयल है, तो हम यहाँ पर मिट्टी का तेल यूज करते हैं। अगर मिट्टी का तेल हो, मिट्टी का तेल यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको एक दो दिन पहले क्लास में बताया था कि किसी भी पार्ट्स को साफ करने के लिए तो मिट्टी का तेल करेंगे या फिर पेट्रोल का यूज करते हैं, ठीक है। दो चीज हम यूज कर सकते हैं किसी भी पार्ट्स को धोने के लिए, साफ करने के लिए। अगला देखो 25 क्वेश्चन, कितना इंक्लूडिंग एंगल बिटवीन द लैंड एंड द फेस ऑफ द टूथ इज कोल्ड। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि लैंड, ये हमारा जो हमारा ड्रिल होता है उसमें लैंड होता है, लैंड और फेस ऑफ द टूथ, लैंड और फेस के जो बीच का गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैक एंगल, रिलीफ एंगल, लिप एंगल एंड क्लियरेंस एंगल, इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी में नहीं लिखा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इंक्लूडिंग एंगल पूछा है बिटवीन द लैंड एंड द फेस ऑफ टूथ इज कोल, जल्दी से इसका आंसर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है, अभी हमें 25 ही मिनट्स होने वाले लाइव क्लासेस को, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। 25 का ए ए ए ए रैक एंगल होगा, अच्छी है जी। 25 का आंसर बताओ अभी क्या होगा, राइट आंसर बताओ, राइट आंसर नहीं आ रहा, बिल्कुल गलत आ रहा आंसर, ए नहीं होगा, सी सी बिल्कुल सही। अब आया ये सबसे पहला आंसर जो दिया है, ये है माथो जी है जो कि सी बता रहे हैं, और यहाँ पर कार्तिक भी सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। तो कुछ ही स्टूडेंट इसका आंसर सी बता रहे हैं, बाकी सब जो रैक एंगल बता रहे हैं गलत हो जाएगा, रैक एंगल नहीं होगा, ठीक है। तो लिप एंगल इसका राइट आंसर होगा। किताब में इसकी इमेज देख लेना कि लैंड क्या होता है और हमारा जो फेस और टूथ के जो बीच का गैप होता है उसको हम लिप बोलते हैं। लिप क्लियरेंस एंगल आपने सभी पढ़ा होगा, ठीक है, 12 से 15 डिग्री होता है ड्रिल का। तो ये क्वेश्चन का आंसर लिप होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, सभी लोग ये बता रहे हैं। अगला देखो 26 क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी बॉडी फ्रॉम फ्लाइंग स्पार्क ड्यूरिंग गैस कटिंग। क्वेश्चंस कहने का मतलब है जब हम वेल्डिंग करते दौरान जो वेल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, गैस कटिंग की बात हो रही है, जब हम गैस कटिंग से कुछ भी काटते हैं तो उसकी छींटे वगैरह पड़ती है ना, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे। ऑप्शंस में देखो यहाँ पे अगर लिखा है कि लेदर कैप यानी कि चमड़े की टोपी पहनेंगे, देन कटिंग गॉगल्स यानी कि हम अपना जो है ग्लास या चश्मे लगाएंगे, देन लेदर शूज चमड़े के जूते पहनेंगे, ठीक है, और लेदर एप्रन यानी कि चमड़े का एप्रन यानी कि कपड़ा पहनेंगे। तो क्या पहनेंगे आप लोग यदि गैस कटिंग से कुछ भी वर्क कर रहे हैं, लगाओ जल्दी इसका आंसर। 26 का आंसर मेरे पास आया डी 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 डी, बिल्कुल सही। तो एप्रन का यूज करते हैं, लेदर एप्रन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें गैस कटिंग से कुछ भी हम काट रहे हैं उससे बचने के लिए हम या तो कुछ हार्ड मोटा कपड़ा पहनेंगे या फिर हम क्या पहनेंगे, लेदर एप्रन अधिकतर मिलता नहीं है, तो हम कुछ ऐसा कपड़ा पहनेंगे मोटा जिससे कि अगर कुछ अंगारे वगैरह कुछ भी छीट वगैरह लग जाए तो वो जले ना या फटे ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर फिलहाल के लिए डी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 26 के बाद 27 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इफ द स्टील इज हार्डेंड अप टू क्रिटिकल टेम्परेचर एंड कूलिंग इज वेरी स्लो इन फर्नेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पता है, हर बार क्लास में एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि हमें यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर कूलिंग इज वेरी स्लो इन फर्नेस। यहाँ पे यही छुपा हुआ है, ठीक है, यही इसका आंसर छुपा हुआ है, स्लोली इन फर्नेस, ठीक है, यानी कि हम उसे ठंडा करते हैं स्लो फर्नेस के अंदर ही, हम उसे फर्नेस के अंदर ठंडा करते हैं। हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, वो लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैंने लाइन खींची है, ठीक है।
तो इसका आंसर में क्या क्या दिया गया, एनिलिंग दिया गया, हार्डनिंग दिया गया, एनिलिंग, हार्डनिंग, देन ऑप्शंस में दिया गया सी में टेम्परिंग एंड सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजिंग दिया गया। बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर लगाइए क्या होगा सर, 27 का आंसर ए ए ए एनिलिंग, बिल्कुल सही। तो नीचे वाली लाइन ये हटा देता हूं मैं इसे, चलो हाँ ये देखो ये आ गया। तो यहां पर इसका आंसर दिया बच्चे सभी देखेंगे एनिलिंग इसका राइट आंसर होगा। एनिलिंग की एक ऐसी क्रिया है, देखो यहाँ बहुत धीरे धीरे भट्टी में ठंडा करते हैं ना, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि एनिलिंग की एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें कि हम अपने जॉब को भट्टी में ही ठंडा होने देते हैं, ऐसे नहीं भट्टी को जले गए, भट्टी को बंद करने के बाद, ठीक है, फर्नेस बोलते हैं भट्टी को। चलो अगला क्वेश्चन देखो 28 क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, बस यही एक इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक वेल्डिंग की कौन सी होती है, ऑप्शन में आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मेट वेल्डिंग एंड फोर्ज वेल्डिंग है, चारों में से एक इसका आंसर है। प्लास्टिक वेल्डिंग बताओ जल्दी से क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ जल्दी से। 28 क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर होगा, लगा दो भाई। यहां पर आया 28 को क्वेश्चंस का आंसर, सबसे पहला आया मिथुन मलिक जी, 28 का डी दे रहे हैं, फोर्ज वेल्डिंग, बिल्कुल सही। सबसे पहला जो आंसर आया बिल्कुल सही आंसर आया, फोर्ज वेल्डिंग ही इसका राइट आंसर होगा। फोर्ज वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक वेल्डिंग बोलते हैं, फोर्ज वेल्डिंग को ही हम प्लास्टिक वेल्डिंग बोलते हैं, फोर्जिंग करके यानी कि फोर्ज करके किसी लोहे को गर्म करके उसको चोट मार के हैमरिंग से चोट मार के उसको चिपका देते हैं, वो हमारी फोर्ज वेल्डिंग, जिसको प्लास्टिक वेल्डिंग होता है। अगला देखो 28 क्वेश्चन का, 29, व्हाट इज द एंगल ऑफ बीए थ्रेड, वेरी गुड, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द एंगल ऑफ बीए थ्रेड सभी को मालूम होना चाहिए, जिसको नहीं पता तो वो अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें। मैं फिर से बता दूं, जो बच्चा काफी वीक है ना इन ऐसे क्वेश्चंस में, तो हमने एक एमजीएम कोर्स बनाया है जिसका नाम है महागुरुमत, उस कोर्स में हमने सारी डिटेल्स में सभी चीजें पढ़ाई है, वीडियो क्लासेस में, टेस्ट सीरीज में, तो आपको सारे क्वेश्चंस टाइप के याद हो जाएंगे। 47.5 ऐसे भी लिखा सकता है, ठीक है, 47.5 डिग्री, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, एक ही बात है। तो 29 के जरूर अगला क्वेश्चन देखो, 29 के बाद अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, which from of thread are used to use in the place where the sliding force act in one directions। Questions ये कहना चाह रहा है कि thread का कौन सा प्रकार उन जगहों का प्रयोग किया जाता है जहां sliding ताकत एक ही दिशा में हो, यहाँ पे लिखा है ना in the one directions, यानी कि एक ही दिशा में कौन सी thread हम use करते हैं जहां पर एक ही दिशा में बल लगाना हो, ठीक है। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस आपको मिले हैं, वी थ्रेड है, वर्ग थ्रेड है यानी कि स्क्वायर थ्रेड, ट्रेपोजोडियल थ्रेड है जिसको हम बोलते हैं संलग्नकार थ्रेड एंड सातू थ्रेड, ठीक है। तो एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, लगाओ 13 क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चंस है और लगभग हमें 30 मिनट्स हो गए, तो आज क्वेश्चंस, आज की वीडियो हम लगभग पूरी खींच दिए 30 मिनट तक। तो यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है डी डी डी, तो बिल्कुल सही, डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की क्लासेस के हमारे कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, तो देखो मैंने पूरी कोशिश करी 30 क्वेश्चन 30 मिनट में बता दिए, है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, टाइम आपका मैंने ज्यादा नहीं लिया, एक क्वेश्चन में समझा भी जाऊं थोड़ा टाइम मैंने आपको एक मिनट ही दिया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, उसमें पूछने की जरूरत होती है, सभी को मालूम होना चाहिए, है ना। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई 30 क्वेश्चन की, तो कोशिश करेंगे कल भी जो है 30 क्वेश्चन लाने की। तो ये क्वेश्चन अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं सारे, तो इन क्वेश्चन को पढ़ लेना भी, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप इस सामने देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, ठीक है, ये सारी क्लास अपलोड है और ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे सेम टाइम 6 PM पर, ठीक है। मैं आप लिख देता हूँ टाइम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, हमारा जो टाइम चलता है वो क्या चलता है 6 PM, चलो मैं लिख दो यहाँ पर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिनको नहीं पता, PM इवनिंग में चलता है, ठीक है, हमारा लाइव क्लास, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपना ध्यान रखें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें।